है, पैकिंग चल रही है और ऑल द सामान इज सेट ऑलरेडी हेयर। और हम लोग ना कल रात को एक इटालियन पिज्ज़ा शॉप गए थे जहाँ पे हमने एक पिज्ज़ा लिया था और वो बच गया था, तो अभी ऐसे गर्म कर रहे हैं उसको, ये अंदर पिज्ज़ा खाएंगे, पूरा चिल्ड हो गया था। यहाँ धूप इतनी ज़्यादा है कि हमने सोचा यार थोड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रयोग करके इसको यहाँ धूप में रख देते हैं, फिर जाते वक्त खा लेंगे। वो आई थिंक ये हो चुका है गर्म, और भाई सही है, चीज़ भी पिघल हुई है इसके ऊपर की, इतनी धूप है ना यहाँ पे, इतनी धूप है। ओहो, तो ये पिज़्ज़ा खा के हम लोग निकल रहे हैं, इसके बाद हम लोग सीधा एयरपोर्ट जाएंगे यहाँ से चेकआउट करके, और पैकिंग हमारी सारी हो चुकी है, जस्ट बैग पैक्स करने सब उठा लिया, तो लेट्स एंजॉय दिस। सो दिस इज आवर लुक फॉर टुडे, ये हमारे वही पुराने किसी बड़े कपड़े। चलो हिराज, चलो यार ये व्लॉग यार बाद में देख लेना घर जाके पापा के व्लॉग्स। हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, उसके बाद हम एयरपोर्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। हमारा रूम का व्यू था, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं लेबर लोग, हम भी जाएंगे काम करने मंडे से। सो दिस इज द फ्री ड्रिंक्स, दिस इज वाटरमेलन, वाटरमेलन तो नहीं है पता नहीं, देखते हैं। व्हाट इज दिस? कैन वी ट्राई दिस? नाइस नाइस, कितने प्यारे कप्स हैं यार। सो शी इज एन, शी मेड दिस जूस एंड वी आर ट्राइंग इट। बहुत पूछो ऐसे भी। वी आर लीविंग दिस प्लेस, और हमने सोचा था यहाँ से कुछ खरीद लेंगे, बट यहाँ पे सब कुछ वही मिल रहा है इंडिया में जो मिलता है, ये लीची वाली फेंटा, ये पाइनएप्पल वाली फेंटा, ये अपनी देसी ऑरेंज वाली फेंटा, ये बियर्स वगैरह, दीज आर सम कप नूडल्स, लेज वगैरह, वही नॉर्मल सारी चीज़ें पड़ी है यहाँ पे। और ये जूस बहुत अमेजिंग है, किसी फूल का जूस है, यहाँ पे हम ढूंढते हैं, वो मिलता है तो हम लेके जाएंगे वो। बाकी रेस्ट इज़ ऑल गुड, ऐसे तो कल मैंने दिखाया था बट आज मैं दोबारा दिखा देता हूँ। दिस इज़ द प्लेस, यहाँ से देखो अभी भी ए, और भाई रैंडमली किसी भी टाइम आ जाओगे ना यहाँ से प्लेन जाते हो दिख जाएगा। बस हम लोगों ने टैक्सी बुक करा दी है बोल्ट एप्लीकेशन से, और बोल्ट इज़ दी ओनली चीपेस्ट एप्लीकेशन हेयर, बाकी सब तो बहुत एक्सपेंसिव है। आ रही है 10 मिनट में टैक्सी आ जाएगी, उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट में एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा। एनी वन इज़ इंटरेस्टेड इन कमिंग टू थाईलैंड, तो बैंकॉक में एक ही दिन रहना, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, इट्स लाइक अ सिटी, इट्स लाइक गुड़गांव नोएडा, मॉल्स घूम लो पार्टी कर लो रात को, बट इसके अलावा कुछ नेचुरल ब्यूटी नहीं है, इट्स लाइक सब कुछ कमर्शियली है यहाँ पे। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे वहाँ मिलता नहीं है, हमारे वहाँ सब कुछ मिलता है जो यहाँ पे मिलता है, इट्स जस्ट दैट कि यहाँ का थोड़ा जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो नहीं मिलता वहाँ पे, तो उसके लिए यू हैव टू गो टू पत्तिया या फुकेत क्राबी जहाँ पे भी जाना, हम लोग नहीं गए वहाँ पे, अगली बार जाएंगे। जाने का समय आ गया है एंड वी आर हेयर एट बैंकॉक स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। बहुत सामान है यार भाई, ये है असली एयरपोर्ट, और दिस इज़ वेरी नाइस वाइड एयरपोर्ट, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सारे अंग्रेज ही दिख रहे हैं यहाँ पे वैसे तो। दिस इज़ ई, हमको पी पे जाना है, विस्तारा का चेक इन वहीं से होगा, एंड यहाँ पे मिल रहे हैं कुछ स्नैक्स एंड ड्रिंक्स, लेट्स सी व्हाट स्नैक्स एंड ड्रिंक्स वी हैव हियर। हमारे बैग जा रहे हैं अब, और अभी हमारे पास पूरे 2 घंटे हैं एक्सप्लोर करने के, वी विल नाउ गो टू ड्यूटी फ्री जाएंगे, और ड्यूटी फ्री के बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पे कुछ मिलता है यहाँ का ऑथेंटिक सामान तो ले लेंगे, वरना इंडिया वाला ड्यूटी फ्री जाके देखते हैं कुछ। 2:45 का टाइम है, तो अभी हमारे पास टाइम है ना भाई, हमें यहाँ पे पूरे 15 मिनट हो गए, अभी इतनी भीड़ है बैंकॉक इमिग्रेशन में, वो रहा काउंटर और ये सारे लोग वेट कर रहे हैं, पता नहीं शायद आधा घंटा लग जाएगा। और यार फाइनली आफ्टर गेटिंग चेक्ड फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर हम लोग आ गए। हाँ हाँ, किधर है? हम लोग अंदर घुस चुके हैं, दिस इज़ रियली अमेजिंग, ये जो भी बनाया हुआ है यार बहुत अच्छी फ़ोटो है यार ये। बस जाने से पहले एक आखिरी बार, आई वुड लाइक टू गो फॉर थाई टी, ये बोबा टीज़ है, थाई बोबा, क्रिस्टल बोबा, ब्लैक थाई बोबा, तो लास्ट टाइम आई एम ड्रिंकिंग दिस। सो गाइस दैट्स ऑल, हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, इसी के साथ तो बैंकॉक ब्लॉग्स आर ओवर, अब हम लोग अपने डेली रूटीन में आएंगे, बड़े वाला जितना मज़ा घूमने फिरने में आता है उतना ही हम ज़्यादा थक जाते हैं एयरपोर्ट में चेकिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अब मिलते हैं कुछ दिन बाद। चलो।
एसी चला दो यार, गर्मी लग रही है।